दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में भाजपा निगम पार्षद, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध बताए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है, इसलिए अब दिल्ली की जनता भी मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार भीषण पानी का संकट, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और जब बारिश आती है 15-20 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, घंटों घंटों का जाम लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कारण मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक और मंत्री जेल में, और जो बाहर है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई घटना घटती है, चाहे राजेंद्र नगर में 3 मासूम बच्चे चले गए, पटेल नगर में एक आईएएस का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया वो चला गया, मुरी विभाग में माँ बेटा चले गए, सड़क पर चलते हुए आम आदमी बारिश में डरता है कि पता नहीं कहां से करंट आएगा और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, ऐसी अनेक घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये कि आशा किरण होम जो दिल्ली सरकार का है, एक रात में 14 बच्चे खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार के मंत्री अफसरों पे ठेका फोड़ते हैं। अरे आप वहां मंत्री हो, आप गाड़ी बंगले की सुविधा ले रहे हो, आप वेतन ले रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अफसर काम करें। वो अफसरों पर जिम्मेदारी डालकर अफसर मंत्रियों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि 6-6 महीने तक फाइल पड़ी रहती है, साइन नहीं होते। और इस दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है उसकी एक वानगी देखिए आप। पिछले 2.5 साल में सिर्फ 15 मीटिंग कैबिनेट की फिजिकल हुई है, बाकी सब में सर्कुलर दे दिया गया कि कैबिनेट ने निर्णय किया उसको पास कर दो। ऐसे सरकार चल रही है, कोई सलाह मशवरा नहीं होता कि ये दिल्ली की जनता के लिए अच्छा है या दिल्ली की जनता के लिए बुरा है। लगातार दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले, चाहे शराब नीति का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में स्कूल के कमरों का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयां देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट घोटाला हो, चाहे एथलेटिक में फिटनेस घोटाला हो, और सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला और ये बिजली का घोटाला जो दिल्ली की आम जनता की जेब में डाका डाल रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इतनी सी भी नैतिकता अगर होती तो पहले दिन इस्तीफा देते, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, इसको दिल्ली की चिंता नहीं है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को दिल्ली की चिंता नहीं है, सिर्फ एक चिंता है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है, घटा या बढ़ा, वजन घटा या बढ़ा। दिल्ली का पूरा प्रशासन पैरालाइज हो गया है, पंगु हो गया है, कोई वहां निर्णय लेने वाला नहीं। मुख्यमंत्री कैबिनेट के बिना कैबिनेट हो नहीं सकती। पिछले मार्च से आज हम अगस्त में कर रहे हैं, एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में। अरे कम से कम दिल्ली वालों का तो लिहाज करते, इस्तीफा देते, जिसे बनाना है बनाओ, लेकिन दिल्ली की सरकार काम तो करे। आप तो दिल्ली का काम तमाम करने में लगे, लोग मर रहे हैं सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार टिप्पणी दे रहा है, इशारे कर रहा है। अरविंद केजरीवाल आप खुद सोचिए आगे दिल्ली की सरकार ने कैसा चलना है, लेकिन ये आदमी नहीं जानता। आज हम सभी हमारे पार्षद यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधि है, ये जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का बाहर रहकर सेवा करने का फर्ज क्या होता है, इसलिए आज हमने इनको बुलाया है। तो आज हम सब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता और हमारे पार्षद आज यहाँ ये मांग करने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए तुम्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और कल के निर्णय के बाद मैं पहले कह चुका हूँ कि कल का निर्णय दिल्ली की जनता का जीत का निर्णय है, उस निर्णय को केजरीवाल को स्वीकार करना चाहिए और
तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो आज हम सब मांग करते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। राष्ट्र